गाइस वेलकम टू मारलाइन सी, मेरा नाम है देव्यस। सो गाइस आज मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं, जो भी लोग ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका खुद का एक प्लेटफॉर्म हो, खुद की उनकी एक वेबसाइट हो जहां पे उनके खुद के प्रोडक्ट लिस्टेड हो और कोई भी कस्टमर उनकी वेबसाइट के ऊपर आके प्रोडक्ट जो है परचेज कर सके, ऑनलाइन पेमेंट कर सके और सारी चीजें जो नॉर्मली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म करते हैं वो सारे के सारे काम हो सके। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप भी खुद अपना एक प्लेटफॉर्म जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, आपको सबसे पहले कोई भी अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली जो चीज होती है वो है डोमेन नेम। जी हाँ, तो देखिए गाइस किसी भी वेबसाइट का जो भी www.flipkart.com है, ये एक तरह से डोमेन नेम है जो कि आपको परचेज करना पड़ता है। तो गाइस ये डोमेन नेम परचेज करने के लिए कई सारी जो है थर्ड पार्टीज कंपनीज होती है, जैसे गोडेडी हो गया, आपका बिकरॉक है, ऐसी कई सारी वेबसाइट है जहां पे आप इजीली जो है डोमेन वगैरह परचेज कर सकते हैं और इसकी कॉस्ट जो है डिफर करती है। आप .com लेते हैं, .in लेते हैं, .org लेते हैं, वो आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है। अब गाइस सेकंड चीज आती है, ये जो प्लेटफॉर्म जहाँ पे होस्टेड हो रहा है, ये एक तरह से जो भी फाइल्स है, जो आप इमेजेस देख रहे हैं, जो प्रोडक्ट जो लिस्टेड है, ये सारी जो फाइल्स जो है कहाँ पे सेव हो रही है। तो गाइस देखिए, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा जिसका नाम है होस्टिंग। जी हाँ, तो डोमेन आपने समझ लिया, अब बात करते हैं होस्टिंग के लिए। तो गाइस देखिए, होस्टिंग में देखिए दो टाइप की होस्टिंग होती है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर, एक होती है होस्टेड होस्टिंग, एक होती है सेल्फ होस्टेड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। जी हाँ, तो देखिए गाइस, होस्टेड ई कॉमर्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, मोर यूजर फ्रेंडली होते हैं, ये जो है थर्ड पार्टीज कंपनी चलाती है। फॉर एन एग्जांपल, आपको जो है होस्टेड प्लेटफॉर्म तभी चूज करने चाहिए जब आपको ना तो कोई कोडिंग आती हो, ना ही कोई टेक्निकल नॉलेज हो, जहां पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरी होस्टिंग कैसी है, मेरी सिक्योरिटी कैसी है, वहां पे प्लेटफॉर्म की टेक्निकल एस्पेक्ट कैसे हैं। इवन जो है आपका जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको कोई भी एक तरह से कस्टमाइज करने की भी जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा कि मुझे प्रोडक्ट जो अपने लिस्टेड करने, फोटोज अपलोड करनी है, मुझे कूपन्स लगाने, तो ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट वहीं पे जो है होती है। तो गाइस ये सारी चीजें आपको जो है होस्टेड प्लेटफॉर्म के अंदर जो है प्रोवाइड की जाती है। अब गाइस बात करना चाहूंगा जो होस्टेड प्लेटफॉर्म है ये कौन-कौन सी कंपनियां जो है प्रोवाइड करती है। तो देखिए गाइस, इंडिया के अंदर काफी सारी कंपनीज है, जैसे स्टोर हिपो हो गया, बिग कॉमर्स हो गया, शॉपिफाई हो गया, ई एक्सेलर्स हो गया, जैप हो गया, बिल्डर बाजार हो गया, शॉपलिक्स हो गया, कार्ट रॉकेट। तो गाइस ऐसी लाखों कंपनियां हैं, हजारों कंपनियां हैं जो आपको ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। तो गाइस देखिए, ये चार्ज कैसे करती है, यहां पे आपको पर मंथ के हिसाब से चार्ज जो है पे करना पड़ता है इन कंपनियों को। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अगर मैं कार्ट रॉकेट की बात करूं, अगर यहां पे आप अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं तो कार्ट रॉकेट जो है आपको पूरा का पूरा ई कॉमर्स जो है सॉफ्टवेयर देता है, जिसके आपको 2000 रुपए पर मंथ जो है यहां से इनके पैकेज जो है स्टार्ट होते हैं, जिसमें आपको वो प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट आप जो है नंबर ऑफ दी प्रोडक्ट लिस्टेड कर सकते हैं, क्या चीजें होगी, क्या फीचर्स होंगे, कितने डोमेन्स के ऊपर आप होस्ट कर सकते हैं। तो गाइस जो होस्टिंग का पूरा पार्ट है वो सारा का सारा जो सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर रन करेगा, जिस हार्ड डिस्क के ऊपर रन करेगा, वो हार्ड डिस्क आपको ये प्रोवाइड करते हैं, प्लस आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरीके से ढंग से रन कर सके। तो गाइस देखिए, कार्ट रॉकेट हो गया, तो इसके कई सारे पैकेज है, ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जिसके मैंने नाम ऑलरेडी यहां पे बता चुका हूं। तो गाइस अब बात करना चाहूंगा सेकंड चीज की, गाइस जिसे कहा जाता है नॉन होस्टेड प्लेटफॉर्म। तो गाइस ये देखिए, सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म में क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा कस्टमाइजेशन प्लेटफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने एक डेवलपर को हायर कर लिया, तो गाइस देखिए क्या होता है कि जैसे आप डेवलपर को हायर करते हैं तो कुछ देखिए कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या होता है आपको एक तरह से होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है। तो मतलब हार्ड डिस्क जो हो गई एक तरह से वेबसाइट की, वो आपको यहाँ पे परचेज करनी पड़ेगी। तो जैसे अगर मैं गोडेडी की बात करूँ, देखिए यहाँ पे एक डिलेक्स प्लान है जिसके अंदर आपको डोमेन भी मिलता है, साथ में होस्टिंग भी मिलती है। तो गाइस जैसे यहाँ पे अगर आप होस्टिंग इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद में आपको एक जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे वर्डप्रेस वगैरह हो गया, तो और उसके अलावा मैगेंटो हो गया, तो ऐसी कई सारी जो है यहाँ पे स्क्रिप्ट चलती है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे बनी बनी हुई आपको एक तरह से सॉफ्टवेयर मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे आपको जो है पूरी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए या फिर आपके पास में कोई ना कोई डेवलपर होना चाहिए। जी हाँ, तो देखिए अगर आप सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के पास में एक डेवलपर होना चाहिए, लेकिन अगर आप जो है सेल्फ होस्टेड की जगह जो एक तरह से ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर से जो चला रही है, जैसे कार्ट रॉकेट हो गया, तो वहां पे आपको कोई भी डेवलपर को हायर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इजीली जो है यहाँ पे आप इनके पैकेज जो है ले सकते हैं और इजीली अपना एक पूरा का पूरा ई कॉमर्स स्टोर जो है ओपन कर सकते हैं। और गाइस अगर मैं जैसे पेमेंट्स वगैरह की बात करूँ, ऑनलाइन पेमेंट लेने की, तो कई सारी कंपनियां होती है, जैसे पेयूमनी हो गया, इंस्टामुजो हो गया। तो गाइस जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है, जैसे कार्ट रॉकेट हो गया, तो ये आपको ऑलरेडी इनबिल्ट जो है सारे के सारे जो पेमेंट जो प्रोसेसर होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो सारे के सारे इंटीग्रेट करके देता है।
है, लेकिन गाइस जो एक तरह से सेल्फ होस्टेड जो प्लेटफॉर्म है जैसे वर्डप्रेस हो गया, जहाँ पे आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, खुद ही इंस्टॉल करना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पे आपको जो है डेवलपर की रिक्वायरमेंट रहती है। सो गाइस अल्टीमेटली मैं अगर कंक्लूजन की बात करूँ तो सबसे पहले आपको एक डोमेन को परचेज करना है जो कि आप गॉडडेडी या किसी भी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको डिसीजन लेना है कि आपको किस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना जो ई कॉमर्स स्टोर है वो ओपन करना है। एक हो सकता है आप सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म के ऊपर ओपन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको डेवलपर की रिक्वायरमेंट है। एक हो गया अगर आपको पूरे तरीके से ई कॉमर्स किसी का सॉफ्टवेयर चाहिए जैसे कार्ट रॉकेट हो गया या और बहुत सारी कंपनीज है, तो वहाँ पे आपको कोई भी डेवलपर को हायर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली आप इनके पैकेज लीजिए और अपना ई कॉमर्स स्टोर जो है इजीली ओपन कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज ही बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।